नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। अभी अभी मतगणना हुई थी और उसको 5 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पर लोग जगह जगह स्वागत सत्कार कर रहे हैं विधायक प्रत्याशियों का जो जीत कर आए हैं। और यहाँ पर भी एक स्वागत समारोह रखा गया है जो बीजेपी विधायक श्री चंद्रपाल सिंह लोधी जी यहाँ पर आए हुए हैं। आइए हम उनसे कुछ पूछते हैं कि जनता के प्रति उनका कितना लगाव है। सर, जैसा कि आपको जनता ने इतने मतों से विजयी कराया है, तो सर आपका क्या उद्देश्य है जनता के प्रति? जनता के प्रति मेरा उद्देश्य है, जनता को बिल्कुल सुरक्षा प्रदान की जाएगी, शिक्षा प्रदान की जाएगी। अभी हम 2 स्कूलों में गए हैं। सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा में सुधार हो और जितने हमारी स्कूल हैं उनकी सबकी हम लिस्ट निकलवाएंगे। पीछे क्या होगा हमें नहीं जानकारी, लेकिन हमने अपने सब सर्वप्रथम हमारा रहेगा शिक्षा का सुधार। दूसरा हमारा, और इससे भी पहले एक चीज़ और छूट गई है, हमारी गऊएं, जो गऊ वंश है छुट्टा जो घूम रहे ना, हमारे मोदी जी भी कह चुके हैं 10 तारीख के बाद कोई ऐसी ठोस प्लानिंग बनेगी। तो 10 तारीख तो निकली गई है, आज तो शायद 16 तारीख है, लेकिन अभी शपथ के बाद हम जब ताकत में तो जब ही आ सकें, लेकिन उससे पहले हमने अपनी गौशाला पर कार्य शुरू कर दिया है। गौशाला जो है 2 महीने के अंदर, गौशाला तो नहीं बन पाएगी लेकिन गायन की व्यवस्था हो जाएगी, गौशाला उसमें धीरे धीरे बनती रहेगी। गौशाला के लिए 2,500 बीघा जमीन गऊएँ चरने के लिए और करीब 100 बीघा जमीन गौशाला के लिए। तो मेरी जितनी विधानसभा है पूरी विधानसभा की गाय एक भी आपको सड़क पर किसी खेत में नहीं दिखेंगी। दूसरी मेरी शिक्षा पर है, और जो कहीं किसी लेवल पर जो गुंडागर्दी है, हमारे माननीय योगी जी बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनके लिए तैयार बैठे हैं, और छोटे जो नासूर हैं मेरी विधानसभा के अंदर, निश्चित मान लो या तो को मेरी विधानसभा छोड़ जाएंगे नहीं तो बिल्कुल साधु की तरह बनकर के रहेंगे। सर, जैसा कि योगी जी ने भी कह दिया है, जो माफिया हैं गुंडे हैं उन पर बुलडोजर चल रही है, तो आप भी यहाँ पर डिवाई में अगर कोई गुंडा या माफिया अपने कदम उठाता है या भ्रष्टाचार या गुंडागर्दी में लिप्त पाता है, क्या आप भी बुलडोजर चलाने में अहम भूमिका निभाएंगे? नहीं, वो तो हमारे योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं धीरे धीरे, वहाँ से सफाई करते करते 5 साल में उन्होंने गंदगी की पहचान कर लिया कि कहाँ कहाँ ज़्यादा बुलडोजर की आवश्यकता है। जैसे उन्होंने चला रखी है कानपुर साइड में, इधर हमारे बरेली वो मेरठ में बहुत अच्छी बुलडोजर से सफाई है, लेकिन हमारा डिबाई इतना गंदा नहीं है जो बुलडोजर की आवश्यकता हो। वो थोड़ी सी दाब लगाते ही हमारे डिबाई के सब गुंडे समाप्त मान लो। तो सर, यहाँ की जनता के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? जनता के प्रति, जनता हमारी बिल्कुल देवता की तरह है, हमारी जनता उनकी सेवा करेंगे, बराबर जनता के बीच में रहेंगे, हम कोई नोएडा से या कहीं बाहर से आए हुए नहीं है, जनता का विश्वास हर समय जीतेंगे हम। तो ये थे हम डिवाई विधायक श्री चंद्रपाल सिंह जी के पास, और इन्होंने अपने भी मत रखे और बताया कि कोई भी गुंडागर्दी हो या कुछ भी हो, ये जनता के हमेशा साथ रहेंगे। और आगे हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब